अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद एपी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस के ऊपर। रीजंस नॉट टू बाई की सीरीज़ के अंदर मैंने एक और बाइक को ऐड किया है जो कि है होंडा प्राइडर। आज हम बात करेंगे कि होंडा प्राइडर को आपको क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, होंडा प्राइडर को ना परचेज करने के क्या क्या रीजंस हैं। तो आज हम उन तमाम रीजंस के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम एंड में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको होंडा प्राइडर को इसकी रीजंस टू बाय और रीजंस नॉट टू बाय की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका कंपैरिजन करके क्या इस बाइक को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक को ना परचेज करने की जो सबसे पहले रीज़न है वो है इस बाइक की सीट। इस बाइक की जो सीट है वो कंपनी फिटेड ही बहुत हार्ड आती है। इस बाइक के अंदर जो आपको सीट मिलती है वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं होती और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इस बाइक की सीट को चेंज करा लिया जाए। जब भी मैंने इस बाइक को देखा है, जिसके जितने मॉडल्स हैं 2020 से मैं देखता आ रहा हूँ, 2020, 21, 22 तीनों मॉडल्स में जो सीट है उसकी क्वालिटी सेम टू सेम है, सीट इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं की। तो मेरे ख्याल में इसकी जो सीट है उसको चेंज करना चाहिए था। अब हर बंदे को ये मसला आता है, इस बाइक की सीट का हर बंदे को मसला आता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो यूज़ में इस बाइक को परचेज़ करते हैं। अब यूज़ में जब वो बाइक परचेज़ करते हैं तो अक्सर जो है सीट का फॉर्म चेंज हुआ होता है, तो फिर वो लोग फिर कहते हैं कि आपको ये आपने ये इशू हमें बताया है लेकिन हमें तो ये इशू आ नहीं रहा। तो कुछ लोग होते हैं जो यूज़ में परचेज़ करते हैं लेकिन उनको फिर सीट ऑलरेडी चेंज मिलती है, इसी वजह से उनको इशू नहीं होता। लेकिन जो लोग न्यू इस बाइक को परचेज़ करते हैं, उन तमाम लोगों को जो भी न्यू परचेज़ करते हैं उनको ये इशू होता है इस बाइक के अंदर। और अक्सर जिन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग टूर करना होता है, लॉन्ग टूर से मेरा मुराद ये है कि तकरीबन रोज़ ही 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने करना होता है या 25 से 30 किलोमीटर एक टाइम का सफ़र उन्होंने करना होता है रोज़, तब उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। वरना अगर डेली राइड आपकी है, मतलब आप कभी सौदे लेने चले गए या फिर आपने कोई भी ज़रूरत का सामान लेना है तब आप चले गए, तो इन छोटी मोटी जब राइड्स होती हैं तो इन छोटी मोटी राइड्स के ऊपर तो इसकी जो सीट है वो बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जब आपने थोड़ा सा लंबा टूर करना होता है तब इस बाइक की जो सीट है वो बताती है और आपको फिर लाजमी इसकी सीट को चेंज करवाना पड़ जाता है। तो पहले रीज़न इस बाइक को ना परचेज़ करने की है इसकी सीट। नेक्स्ट रीज़न के ऊपर आते हैं। तो इस बाइक को ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर बैलेंसर का ना होना। ये बाइक होंडा ने अपनी तरफ से कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की थी। इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल इस वजह से बनाने की कोशिश की गई थी क्योंकि ये जो बाइक है ये एक प्रॉपर डेली यूसेज का बाइक बनाया गया था। जिस तरह आपको होंडा सिटी 70 मिल रहा है उसी तरह आपको होंडा प्राइडर मिल रहा है डेली यूसेज के लिए। इस बाइक में ना तो होंडा ने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि इस बाइक को ज़्यादा भगाएंगे लोग, उसके अलावा ना ही होंडा ने यह सोचा कि इस बाइक को लोग क्रूजिंग के लिए यूज़ करेंगे या लॉन्ग के लिए यूज़ करेंगे। तो होंडा ने ये एक प्रॉपर डेली यूसेज के लिए बाइक बनाया था और छोटे मोटे सफ़र के लिए बाइक बनाया था। उस हिसाब से होंडा ने कोशिश की कि हम इसको पूरी तरह कंफर्टेबल बनाएं, लेकिन होंडा इसमें नाकाम रहा है। आपको पता है कि इसकी जो सीट है वो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वो हार्ड है, उसके अलावा इसके जो इंजन है उसके अंदर बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो 100cc इंजन होने की वजह से मेरे ख्याल में इस बाइक के अंदर बैलेंसर होना चाहिए था, क्योंकि जब आपके पास एक 100cc का बाइक होता है तो तब आपकी जो स्पीड होती है वो कम से कम 60 तो होती है, 60 से 70 की स्पीड तो आप कम से कम रखते ही हैं। 70 तो फिर भी शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम 60 की स्पीड लोग रखते हैं और 60 की स्पीड में आपको वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर फील होती हैं, तो तब बैलेंसर की बहुत कमी फील होती है। अब बैलेंसर होता तो बाइक बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता। इस बाइक के शॉक्स अच्छे हैं, नो डाउट इसके शॉक्स अच्छे हैं, इसकी जो आपको राइड क्वालिटी मिल रही है वो अच्छी मिल रही है, लेकिन फुल स्मूथ होनी चाहिए थी। तो स्मूथनेस इस बाइक की बैलेंसर के साथ आएगी, वरना इसकी वो स्मूथनेस नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में इसको ना परचेस करने की एक रीज़न इसका बैलेंसर भी है कि इस बाइक के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड होना चाहिए था। और उम्मीद करते हैं हम कि नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करें और बैलेंसर इंस्टॉल करें, क्योंकि जो ये बाइक है प्राइडर ये एक तरह से बजटेड बाइक भी है। आपको बजट में सिर्फ यही बाइक ही मिल रहा है, बाकी सारे आउट ऑफ द रेंज हो गए हैं बाइक्स। बजट में आपको यह बाइक मिल रहा है और इस बाइक के अंदर अगर होंडा तमाम फीचर्स को ऐड कर ले, 10-15 हज़ार रुपये बेशक बढ़ा दे, लेकिन इसमें बैलेंसर इंस्टॉल कर ले, कुछ फीचर्स इंस्टॉल कर ले, तो ये बाइक बहुत अच्छा बिकेगा और काफ़ी अच्छी सेल्स होंगी इसकी। बहरहाल, इसके बाद हम इसको ना परचेज़ करने की नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर लेस फीचर्स। अब अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो इस बाइक का मीटर देख सकते हैं। इसके मीटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है, ना ही इसके अंदर ट्रिप मीटर है, गियर इंडिकेटर नहीं है, फ्यूल गेज मीटर नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बाइक के अंदर स्पीडोमीटर मिल रहा है। असेंबलीज की बात कर लें तो असेंबलीज आपको वही CD70 वाले ही मिल रही हैं इसके अंदर। इसके अंदर उसी तरह राइट साइड पर आपको कुछ भी नहीं मिलता।
अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर इसके अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह आपको सीडी 70 के अंदर, जिस तरह आपको होंडा 125 के अंदर चीज़ें मिल रही हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लेफ्ट साइड पर अवेलेबल हैं। और इस बाइक के अंदर राइट साइड पर कुछ भी नहीं है। इसका जो कंपेटिटर है उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। हाँ, बस प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, मगर अगर आप सीसीज का फ़र्क देखें तो सीसीज का कुछ खास फ़र्क नहीं है। मैं GD1 NS की बात कर रहा हूँ, तो सीसीज का कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन उस बाइक के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो अब जिस तरह आप सब देख रहे हैं कि प्राइजेस डे टू डे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो प्राइस थोड़ी सी बेशक इंक्रीज़ कर लें, लेकिन इसके अंदर फीचर्स ऐड कर लें तो ये बाइक भी एक तरह से एक कम्प्लीट बाइक बन जाएगा। बहरहाल इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें कि इसको ना परचेज करने की क्या रीज़न है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रीज़न है जी ऑल डिज़ाइन। जहाँ तक डिज़ाइन का ताल्लुक है, तो अगर आप इसी मॉडल को कंपेयर कर लें इसके पुराने मॉडल से, जब से ये बाइक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक आप अगर इसके मॉडल्स को देख लें, तो 2020 के बाद ही इन्होंने थोड़ा सा हुड के अंदर चेंजिंग की थी, वरना आपको हुड के अलावा सब कुछ सेम मिल रहा है। आपको ओवरऑल लुक सेम टू सेम ही मिलेगी एक्सेप्ट ग्राफिक्स। आप सब जानते हैं कि होंडा के जितने भी बाइक्स हैं, वो जब भी अपना कोई नया मॉडल लॉन्च करते हैं, होंडा जब भी अपना कोई नया मॉडल किसी भी बाइक का लॉन्च करता है तो हमेशा ग्राफिक्स को ही चेंज करता है, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करता। तो इसी तरह होंडा प्राइडर के अंदर भी चलता आ रहा है, इसके ग्राफिक्स सिर्फ चेंज हो रहे हैं, डिज़ाइन वही का वही है। तो डिज़ाइन इस बाइक का चेंज कर दें, बाइक के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी तो फिर लोग इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। कुछ इसके अंदर फीचर्स ऐड करें फिर भी लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब कुछ जब करेंगे, बेशक थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन जब ये सब कुछ ऐड करेंगे तो लोगों की अट्रैक्शन भी बनेगी। अब पुराना मॉडल ही होता है एक तरह से, ये सिर्फ ग्राफिक्स चेंज हो जाती हैं, बस वो नए स्टिकर आ जाते हैं और आपको नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस बाइक के अंदर जो चेंजिंग है वो थोड़ी सी होनी चाहिए इसके डिज़ाइन के हिसाब से, और तब ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्शन कैच करेगा। सो गाइस, मैंने कुछ ये रीजंस बनाई थी इस बाइक को ना परचेस करने की। जहाँ तक मैकेनिक्स और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात है, तो इस बाइक को काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ना मैकेनिक्स का इशू मिलने वाला है इसके अंदर, ना ही पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू मिलने वाला है। उसके अलावा जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो वो भी कम है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बाइक को आपको लाजिम परचेस करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये बजट में है। अब आप बाकी जितने भी बाइक्स देख लें, आपको 2 लाख रुपए से नीचे अच्छा बाइक कोई भी नहीं मिलने वाला। अगर आप थोड़ा सा बेहतर कम्फर्ट चाह रहे हैं तो आपको फिर 2 लाख रुपए से ऊपर पैसे ही भरने पड़ेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए से नीचे आपको कोई खास कम्फर्टेबल बाइक नहीं मिलने वाला एक्सेप्ट होंडा प्राइड। अब होंडा प्राइडर की जहाँ तक बात है, तो होंडा प्राइडर के अंदर अगर आप सीट भी चेंज करवा लें सिर्फ, बाकी कुछ भी ना करवाएं, सिर्फ आप सीट ही चेंज करवा लें तो आपको काफ़ी फ़र्क पता लग जाएगा, काफ़ी फ़र्क आ जाएगा बाइक के कंफर्ट में, और बाइक की जो कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसका बजट में होना इस बाइक को परचेज़ करने की एक रीज़न बन जाती है। तो इस बाइक को मेरे ख्याल में आपको लाजमी परचेज़ करना चाहिए। अब कलर्स फिर आप खुद ही डिसाइड कर लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनों को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।